सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संगीता कक्षा 4 में आज हम करेंगे अपने जो हमारा पाठ था, पाठ 11, नाम था उसका मिट्टू। आपने कहानी पढ़ी थी तो बच्चों कहानी सबको अच्छी लगती है, और वो बंदर की जानवर की कहानी तो वैसे भी सबको अच्छी लगती है। कहानी बड़ी अच्छी थी कि कैसे इंसान और जानवरों की आपस की दोस्ती के बारे में बताया था, यानी कि गोपाल जो लड़का था उसकी दोस्ती मिट्टू नामक बंदर से हो गई थी। बच्चों बंदरों की कहानी तो सबको अच्छी लगती है ना, लेकिन देखो बंदर की कैसे अपने बच्चों का कैसे केयर करते, कैसे ध्यान रखते, अपने देखो बच्चों कैसे लिपट के रखते लिपटा के रखते हैं ना, तो बस उनके अंदर भी हमें उनकी भी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। हमें किसी भी जानवर को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको परेशान करेंगे तो वो अपना गुस्सा दिखाते, चाहे कैसे कैसे ना कैसे, चाहे वो हमें काट लेते तो भी देखते हैं कि बंदर काट लेते हैं। क्यों काटते हैं? जब हम उनको परेशान करेंगे, वो भूख प्यास से परेशान होते हैं, तभी तो वो हमें नुकसान पहुँचाते हैं ना। लेकिन ये जो कहानी थी वो बहुत अच्छी कहानी थी। ये देखो कि अगर हमारे अंदर जानवरों के प्रति प्रेम है तो बंदरों के मतलब जानवरों के अंदर भी प्रेम है इंसानों के प्रति। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो इसके बाकी हम इसके आज करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहले हम इसके शब्दार्थ किए थे, आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो हम मेरे साथ बोल बोल कर इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। साफ साफ लिखाई में आपने लिखना, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपकी जिन बच्चों की साफ लिखाई नहीं लिखते, मैंने गंदी भी क्या लिखाई है, तो वो होती है आपकी अधूरी शिक्षा की निशानी, यानी अपनी पढ़ाई तो की है लेकिन ध्यान से नहीं की, तो इसलिए आप अपनी लिखाई पर विशेष ध्यान दें। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं अपने प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी में मिट्टू किसका नाम है? किसका नाम है? वेरी गुड, आपने कहानी अच्छे से पढ़ी थी ना। तो कहानी में मिट्टू एक बंदर का नाम है, एक बंदर का नाम है। प्रश्न दो, सर्कस कंपनी किस शहर में आई? किस शहर में आई? कहानी बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था ना, किस शहर में आई थी? उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में सर्कस कंपनी लखनऊ शहर में आई। बच्चों आपको जो पाठ पढ़ते हैं तो ये पता नहीं ये शब्द किसने कहे, किसको कहे, इससे आपको जब कहानी है जब पूछते हैं प्रश्न पूछते हैं और पूछते हैं आपसे कि ये किसका नाम था, ये कहाँ से, ये किसने बोला था, क्यों बोला था, तो ऐसे आपको जब कहानी अच्छे से समझ में आ जाती है ना, तो आपको ये ऐसे प्रश्न उत्तर देते हुए, प्रश्नों का जवाब देते हुए कोई मुश्किल भी नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो जैसे है प्रश्न जब कहानी पढ़ी थी उसमें सर्कस कंपनी इस शहर में आई, तो उत्तर में लिखेंगे सर्कस कंपनी लखनऊ शहर में आई। प्रश्न तीन, गोपाल और दूसरे लड़कों को कौन सा जानवर सबसे अच्छा लगता था? कौन सा जानवर सबसे अच्छा लगता था? उत्तर, गोपाल और दूसरे लड़कों को मिट्टू बंदर, और मिट्टू बंदर नाम का जानवर सबसे सबसे अच्छा लगता था, सबसे अच्छा लगता था। प्रश्न चार, चीते के पंजे से गोपाल को किसने बचाया? जब गोपाल ने सुना कि वो सर्कस कंपनी वाले वापिस जा रहे, तो उसके मालिक से वो बात करता और अपने जो मित्र था उसका कौन, मिट्टू बंदर, उसको ढूंढते ढूंढते वो कान चीते के जो पिंजरे की पास ला जाता है, लेकिन वो तो उसके पीछे की तरफ था, उसने तो ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान कहाँ था? अपने दोस्त यानी मिट्टू बंदर को ढूंढने में उसका ध्यान था, और वो पीछे से चीते ने उसको अपने पंजों से पकड़ लिया, अपने पंजों से पकड़ लिया, तो दूर से किसने देखा? मिट्टू बंदर ने, और उसको छट आके अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने गोपाल को बचाने की कोशिश की। तो प्रश्न क्या है, चीते के पंजे से गोपाल को किसने बचाया? उत्तर, चीते के पंजे से गोपाल को मिट्टू बंदर ने बचाया। आप बोल बोल कर लिख रहे हो ना, क्योंकि आधे प्रश्न उत्तर तो आपको जब आप बोल बोल कर लिखते हो आपको तभी याद हो जाते हैं।
क्वेश्चन चार दोबारा, चीते के पंजे से गोपाल को किसने बचाया? पीछे क्वेश्चन वाचक निशान का जरूर लगाइए। उत्तर, चीते के पंजे से गोपाल को मिट्ठू बंदर ने बचाया, पूर्ण विराम। पीछे पूर्ण विराम का चिन्ह है। प्रश्न पांच, गोपाल ने मिट्ठू के बारे में माँ को क्या बताया? जब गोपाल को मिट्ठू पसंद आया और उसने सुना कि सर्कस कंपनी दूसरे शहर में जा रही है तो परेशान हो गया, फिर उसने माँ को क्या बताया? उत्तर, गोपाल ने मिट्ठू के बारे में माँ को बताया कि वह उसे खरीदना चाहता है। किसे? वह बंदर को खरीदना चाहता है। उसने सुना ना कि वो जो सर्कस कंपनी वो दूसरे शहर में जा रहा है तो परेशान हो गया, तो फिर उसने मम्मी को बताया कि वह उसे खरीदना चाहता है, नहीं तो मिट्ठू जाने कहाँ चला जाएगा। अगर उसे खरीद लेगा तो वो उसके पास रह जाएगा, नहीं तो सर्कस कंपनी वालों से पता नहीं कहाँ लेके जाएगा और फिर मैं उसे कैसे देखूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो छोटे से बच्चे के मन में कैसे बंदर के प्रति कितना प्रेम था। ठीक है, उसे कितना प्रेम करता था, कितना लगाव था उसका। ठीक है बच्चों, और उसके लिए वो अपनी मम्मी से पैसे एक अठन्नी उधार लेता, अपनी मम्मी से सॉरी उधार नहीं लेता, मम्मी से अठन्नी लेता उसको खरीदने के लिए, किसको? बंदर को खरीदने के लिए। तो बच्चों आज एक प्रश्न उत्तर लिखे, आप उसको साथ साथ याद करें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।